मॉर्निंग डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको पहले ही सूचित कर दिया गया था कि हम अपने इस शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के जो एग्ज़ाम से फर्स्ट पीटी टेस्ट एग्ज़ाम है वो मंडे 21 सितंबर से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आई होप सभी बच्चे पूरी तरह से एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हैं और एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। डियर पेरेंट्स स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि ये पहली बार है कि हम इस तरीके से स्कूल जो है अपने एग्ज़ाम्स कंडक्ट करने जा रहा है, ऑनलाइन एग्ज़ाम्स कंडक्ट करने जा रहा है। तो हम लोग आपसे पूरी तरीके से सहयोग की उम्मीद भी रखते हैं कि आप लोग पूरी तरह से हमें सहयोग करेंगे एग्ज़ाम में। अगर एग्ज़ाम से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई भी क्वेरीज हो, चाहे बच्चों को हो चाहे पेरेंट्स को हो, किसी तरह का कोई भी प्रश्न हो, तो वो स्कूल से या टीचर से संपर्क करके उन्हें क्लियर कर सकते हैं अपने डाउट्स एग्ज़ाम से पहले, ताकि एग्ज़ाम देते समय किसी तरह का कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं हो और किसी तरह की कोई चूक नहीं हो। ठीक है, क्योंकि स्कूल उसके बाद जो है किसी तरह का कोई एक्सक्यूज़ जो है एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो बेटर है कि बच्चे जो है या अभिभावक जो है वो पहले से ही टीचर से, चाहे सब्जेक्ट टीचर से हो चाहे क्लास टीचर से है, उनसे अपने सारे डाउट्स क्लियर कर ले। ठीक है, अब मैं आपको जो है एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ इंस्ट्रक्शंस देने जा रही हूँ। सबसे फर्स्ट इंस्ट्रक्शन, फर्स्ट अनुरोध हम कह सकते हैं अभिभावकों से है कि प्रिय अभिभावक, इस बार आप ही खुद अपने बच्चे के जो है हम कह सकते हैं परीक्षा प्रभारी हैं, एग्जामिनेशन इंचार्ज हैं, क्योंकि बच्चे घर से परीक्षा देने जा रहे हैं। तो ये पेरेंट्स की ड्यूटी बनती है कि वो बच्चों का ध्यान रखें कि वो अपना एग्ज़ाम प्रॉपर तरीके से दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। आई मीन टू से दैट वो चीट नहीं करें, क्योंकि एग्ज़ाम एक तरीके से क्या है, बच्चे का इंटरनल इवेल्यूएशन है कि वो कितनी नॉलेज गेन कर रहा है, उसने कितना सीखा है। तो अगर बच्चा एग्ज़ाम प्रॉपर तरीके से नहीं देगा तो उसका प्रॉपर इवेल्यूएशन हमको नहीं पता चलेगा कि बच्चों को कितना समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो बेटर है कि बच्चे जो एग्ज़ाम प्रॉपर तरीके से दे, और इस बात का ध्यान इस बार आपको ही एज ए पेरेंट्स रखना है। और स्पेशली छोटे बच्चों के पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो स्पेशल ध्यान रखें अपने बच्चों का, क्योंकि छोटे बच्चों को काफ़ी तरह की मुश्किलें आती है। तो एग्ज़ाम्स में स्कूल में उनके टीचर्स उनके साथ रहते हैं, इस बार हम लोग नहीं रहेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि बच्चा अपना नाम, अपना क्लास, अपना रोल नंबर, अपना सेक्शन पूरी तरह से अच्छी तरीके से लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है, या फिर बच्चा अपना जो क्वेश्चन नंबर है स्पेशली आंसर नंबर है वो प्रॉपर तरीके से लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है। तो छोटे बच्चों के पेरेंट्स जो है एग्ज़ाम के दौरान जो अपने बच्चों के साथ रहे उनको गाइड करें। ठीक है, सेकेंड इंस्ट्रक्शन है एग्ज़ाम टाइम से रिलेटेड और एग्ज़ाम शेड्यूल से रिलेटेड। एग्ज़ाम टाइम जो है आपको पहले से ही बता दिया गया है कि इस बार जो परीक्षा है वो शाम के समय हम लोग कंडक्ट करेंगे, इवनिंग में कंडक्ट करेंगे, जिसका कि पूरा टाइम टेबल, टाइम शेड्यूल आपको दे दिया गया है कि किस दिन कौन सा एग्ज़ाम होगा, किस समय पर होगा। तो आपसे अनुरोध है कि उस टाइम टेबल को प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हुए सही दिन पर, सही समय पर, सही तरीके से अपने बच्चे को प्रिपेयर करवाएं, क्योंकि बाद में किसी तरीके का कोई एक्सक्यूज एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि पहले से ही आपको ये सब बता दिया गया है। थर्ड थिंग, अगर कोई बच्चा किसी कारणवश एग्ज़ाम नहीं देने जा रहा है, मीन्स कोई बच्चा अगर एब्सेंट रहेगा एग्ज़ाम में, तो वो पहले से ही स्कूल को, प्रिंसिपल को इन्फॉर्म करके उनसे परमिशन ले ले। अगर बच्चा परमिशन लिए बिना एग्ज़ाम में एब्सेंट रहता है तो उसे एब्सेंट ही माना जाएगा, मीन्स अनुपस्थित ही माना जाएगा, उसके बाद उसको किसी तरीका का एक्सक्यूज जो है एक्सेप्टेबल नहीं रहेगा। फोर्थ थिंग, अगर टाइम से रिलेटेड किसी पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम हो, सपोज एग्जांपल किसी घर में 2 या 3 बच्चे हों और सेम समय पे एग्ज़ाम हो और उतने मोबाइल अवेलेबल नहीं हो, तो वो पहले से ही आज ही टीचर को इन्फॉर्म कर दे या स्कूल में इन्फॉर्म कर दे अपनी इस समस्या के बारे में, ताकि उसका समाधान निकाला जा सके। बाद में इस तरह का कोई एक्सक्यूज एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। एग्ज़ाम होने के बाद में आप कहेंगे कि हमारे 2 बच्चे थे या हमारे पास फैसिलिटी नहीं थी, तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इसका इन्फॉर्मेशन आपको पहले से ही टीचर को देनी होगी या स्कूल को देनी होगी, या स्कूल से उस तरीके का सॉल्यूशन देना होगा। फिफ्थ थिंग, क्वेश्चन पेपर जो है व्हाट्सएप नंबर पे सेंड किया जाएगा, जो टाइम दिया गया है उसी समय पर जो है व्हाट्सएप नंबर पे क्वेश्चन पेपर सेंड किया जाएगा। बच्चे पेन और पेपर लेकर जो है पर्टिकुलर जो टाइम दिया गया है उसी समय से पहले जो है तैयार रहें, और जो टाइम पे बोला गया है पेपर सेंड करने के लिए, जिस तरीके से पीडीएफ फाइल बनाकर सेंड करने के लिए कहा गया है, उस तरीके से पीडीएफ फाइल बनाकर सेंड करें। अलग अलग तरीके हैं। एक तरीका है कि आप लोग प्ले स्टोर पे जाकर डॉक्यूमेंट स्कैनर करके जो ऐप है उसे डाउनलोड करें, और उससे फिर फर्दर उसी में ही कैमरा होता है, कैमरा से पिक्चर्स क्लिक करके सेलेक्ट करके पीडीएफ फाइल के थ्रू शेयर करेंगे। व्हाट्सएप नंबर पे जो नंबर आपको दिया गया है उसी नंबर पे शेयर करेंगे, और जिस टाइम पे बोला गया है उसी टाइम पे आप शेयर करेंगे। उसके बाद टाइम पूरा होने के किसी बात किसी भी तरीके से वो पेपर एक्सेप्ट नहीं किया
जाएगा। सिक्स्थ थिंग, जो नेम ऑफ स्टूडेंट है वो हर पेज पे होना चाहिए, क्लियर, अच्छी राइटिंग में होना चाहिए। मीन्स अगर 3 पेजेस में आपका टेस्ट पूरा हो रहा है तो हर 3 पेजों पे आप अपना नाम, अपना क्लास, अपना रोल नंबर, अपना सेक्शन क्लियरली, नीट एंड क्लीनली मेंशन करोगे, सब्जेक्ट लिखोगे, डेट लिखोगे, उसके बाद पेज वाइज 1, 2, 3 नंबर। क्योंकि काफ़ी बार अभी टेस्ट के दौरान ये नोटिस किया गया है, जिन बच्चों ने अभी टेस्ट दिए हैं तो मुझे नहीं लगता उनको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आने वाली है। इवन देन जो मैंने नोटिस किया है टेस्ट के दौरान बच्चे ऊपर नीचे पेजेस सेंड कर रहे थे, तो ये बेटर होगा कि आप 1, 2, 3, 4 जितने भी पेजेस हैं उनको पेज नंबर दे दो, पेज नंबर लिखकर डाल दो, अपना नाम रोल नंबर सब क्लियरली लिखो। अगर नेम क्लियरली नहीं होगा तो उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। सेवन थिंग, कोई भी डाउट हो एग्जाम से रिलेटेड उसको पहले से ही क्लियर कर लेना। एग्जाम होने के बाद अगर आप लोग एक्सक्यूज देंगे कि मैम टाइम कम था, नेटवर्क नहीं था, या एग्जाम कौन सा था, या किसी भी तरीके का कोई भी डाउट अगर एग्जाम होने के बाद आप प्रश्न खड़ा करेंगे तो उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा, एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। किसी भी तरीके का डाउट है एग्जाम से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड, टाइम से रिलेटेड, वो एग्जाम होने से पहले आज ही आप क्लियर कर लें। एग्जाम होने के बाद किसी तरह का कोई एक्सक्यूज नहीं दिया जाएगा। एक बार फिर मैं आपको रिमाइंड करा रही हूँ कि बच्चे का नाम, रोल नंबर, सेक्शन, क्लास और पेज नंबर हर पेज पे क्लियर होना चाहिए, PDF बना के सेंड करना चाहिए। जो प्रॉपर टाइम दिया गया उस टाइम के अंदर ही आपको सेंड करना है, उसके बाद उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। जो डाउट है वो आज ही क्लियर करें। बच्चे को अगर एब्सेंट होना है तो वो आज ही इन्फॉर्म करें स्कूल में, या किसी तरह की और समस्या है वो आज ही इन्फॉर्म कर दे, उसके बाद पेपर होने के बाद कुछ भी नहीं हो सकता है। लास्टली एक इम्पॉर्टेंट थिंग कि कुछ समय पहले स्कूल द्वारा जो है व्हाट्सएप नंबर पर आपको डॉक्यूमेंट सेंड किया गया था, बच्चे से रिलेटेड, बच्चे की जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट सेंड किया था तो वो आपको फिल करके सेंड करना था। अगर कोई पेरेंट्स जो है अभी तक सेंड नहीं कर पाया है तो उसे जल्दी फिल कर सेंड कर दे, ठीक है। ये स्कूल की इन्फॉर्मेशन के लिए है, बच्चों की पर्सनल इन्फॉर्मेशन के लिए, तो उसे जल्दी सेंड कर दिया जाए, सबमिट कर दिया जाए। थैंक यू।